घर में बरकत नहीं है, रुपये टिकते नहीं हैं, रुपयों की तंगी का हमेशा सामना करना पड़ता है। बेटा बेटी बच्चे जवान हो गए हैं, अच्छी जॉब नहीं मिल रही है, हैसियत के हिसाब से नौकरी नहीं मिल रही है, बच्चों की शादी में विवाह में विलंब हो रहा है। दोस्तों, आज जो उपाय आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये उपाय कोई एक के लिए नहीं है, पूरे परिवार के लिए है। अगर ऐसी समस्याएं जीवन में है तो ये उपाय आप करके देखें। वीडियो के अंत तक बने रहे, वीडियो को उपाय को ठीक से समझें। मैंने मेरे अनेक वीडियोस में एक बात बार बार शेयर की है, एक बात मैं बार बार रिपीट करता आया हूँ कि हमारे इस सृष्टि में जितनी भी चीज़ें कुदरत ने बनाई है वो सभी चीज़ों का अलग अलग ग्रह से सीधा संबंध है। तो कुछ खास दिन पर कुछ खास चीज़ें आप आहार में लेते हैं, कुछ खास दिन पर कुछ खास चीज़ों का आप दान करते हैं, कुछ खास दिन पर कुछ खास चीज़ें आप जलाते हैं, घर के अंदर छोटा यज्ञ करते हैं कुछ मंत्र बोलकर, तो उनसे जुड़े जो ग्रह है, जो ग्रह हमारे बर्थ चार्ट में ठीक नहीं है, ठीक नहीं होने की वजह से कुछ विपरीत परिस्थितियां जीवन में आ सकती है, कुछ चीज़ों का अभाव हमेशा बना रहता है। मैंने जो आपको बताया तो वो ग्रह अनुकूल हो जाते हैं, संतुलित हो जाते हैं, वो ग्रह की सुप्ता प्राप्त होती है और जो समस्याएं और जो विपरीत परिस्थितियों का हम सामना कर रहे हैं वो विपरीत परिस्थितियां, वो समस्याएं जीवन में से परिवार में से कम अवश्य हो जाती है। दोस्तों, आज ऐसा ही उपाय आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये उपाय एक के लिए नहीं है, पूरे परिवार के लिए है। उपाय सरल है, आसान है, उतना ही शक्तिशाली है। एक रुपये का भी खर्च नहीं करना है, न कोई मंत्र बोलना है, न कोई जप करना है। कुछ खास चीज़ें आपको आपके घर में हमेशा के लिए रखनी है। आज ये मेरा पहला वीडियो आपके सामने शो हो रहा है, पहला वीडियो देख रहे हैं आप, दिल से स्वागत करता हूँ, वेलकम। ऐसी जानकारी में आप रुचि रखते हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, पास वाली ऑल नोटिफिकेशन बेल दबाएं, छोटे से प्यारे से परिवार के साथ आप भी जुड़ जाए। वीडियो देखने के बाद छोटी रिक्वेस्ट जो हर दिन करता हूँ, बिना भूले कमेंट बॉक्स में भगवान श्री राम का नाम जय श्री राम अवश्य लिखें। अगर ऐसी बातों में नहीं मानते हैं तो आप वीडियो छोड़कर जा सकते हैं, बाकी हल्की कमेंट करने वाले, हल्की सोच रखने वाले, हल्के संस्कार वाले हल्की कमेंट अवश्य करेंगे। अपने संस्कारों का प्रदर्शन कमेंट के माध्यम से अवश्य करेंगे। दोस्तों, एक दिन में धन की बारिश नहीं होती है, एक दिन में जीवन में बदलाव नहीं आते हैं, धीरे धीरे जीवन में बदलाव आते हैं, वो बात पर पूरा भरोसा रखें। जो भी उपाय करते हैं पूरी श्रद्धा विश्वास और आस्था के साथ करें, बदलाव अवश्य आएंगे। जो समस्याएं जीवन में आ गई है, जो समस्याएं परिवार में है, वो समस्याएं दूर अवश्य हो जाएगी। आपके जीवन में कोई समस्या है, कोई परेशानी है, आपको समस्या का समाधान चाहिए, आप मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लें। इस नंबर पर आप मुझे मैसेज करें, छोटी मामूली फी पे करनी पड़ेगी। पहले निःशुल्क कर रहा था, फालतू के मैसेज से बचने के लिए ये फी मैंने रखी है।
क्योंकि बहुत से लोग एनी टाइम फालतू के मैसेज और फालतू के कॉल करते रहते थे, मजबूरन मुझे मेरा ये नंबर स्विच ऑफ रखना पड़ता है। तो कॉल ना करें, सिर्फ मैसेज करके रख दें, जवाब आपको अवश्य मिलेगा। नंबर नोट कर लो, 8732985130, 8732985130। इस नंबर पर आप मैसेज करके रख दे, जय श्री राम लिख कर रख दे, आपका मैसेज देखूंगा, जवाब आपको अवश्य दूंगा। कितनी फी पे करनी है, कैसे पे करनी है, सभी जानकारी मैसेज के माध्यम से आप तक पहुंच जाएगी। घर के अंदर दो चीज कभी खाली ना होने दे, एक दिन भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये चीज घर के अंदर नहीं है। दोस्तों, ये दो चीज घर के अंदर रखने मात्र से चंद्र, मंगल और शुक्र, मैंने अभी आपको बताया रुपयों की तंगी है तो जो लिक्विड मनी है, जो रुपये हम हर दिन लेन देन करते हैं, वो तो चंद्र है। नौकरी में, शादी में, विवाह में विलंब आ रहा है, मंगल। नौकरी नहीं मिल रही है या तो शादी में विलंब हो रहा है, वो मंगल है। जो सुख है, सुख समृद्धि सौंदर्य शुक्र है। ये तीनों ग्रह परिवार के कोई भी सदस्य की जन्म पत्री में ठीक नहीं है तो तीनों ग्रह को आप संतुलित कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं, सुखता और प्रसन्नता प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, चीनी और चावल घर के अंदर, चीनी और चावल कभी खाली नहीं होने चाहिए, खासकर रसोई घर में। अगर आपको मालूम नहीं रहता है तो कोई भी छोटे बर्तन में, कांच के बर्तन में, बाउल में या तो पैकेट बनाकर चीनी और चावल रसोई घर में अलग से रखें। हमेशा के लिए रसोई घर में चीनी और चावल आपको रखना है। एक भी दिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि चीनी और चावल रसोई घर में खलास हो गए हैं, पूरे हो गए हैं, बिल्कुल नहीं है। दोस्तों, जीवन में धीरे धीरे बदलाव अवश्य आते हैं। जो भी चीज़ों का अभाव है वो अभाव दूर भी होते हैं। जरूरत है श्रद्धा, विश्वास और आस्था की। बस दोस्तों, वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहे, दिल से थैंक यू। खुश रहे, प्रसन्न रहे, भगवान भोलेनाथ आप सभी की मनोकामना पूरी करें। सर्वदा सर्वत्र महादेवाय नमः। धन्यवाद। वंदे मातरम।